नमस्कार दोस्तों, एस बी टेक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार कार्ड आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। समय समय पर हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती रहती है। सरकारी हो या प्राइवेट जगह, हर जगह आधार कार्ड की मांग की जाती है। दोस्तों, आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए पकड़े गए। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऑनलाइन ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड ओरिजिनल है या फर्जी है, या फिर आप किसी को अपना मकान या शॉप रेंट पर देते हैं या किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसका आधार भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस। दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर uidi.government.in टाइप करते हैं। दोस्तों, ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट में यहाँ पर एक ऑप्शन है माई आधार का, इस पर माउस का पॉइंटर रखते हैं। जैसे दोस्तों माउस का पॉइंटर रखते हैं, यहाँ पर कुछ लिंक्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर थर्ड लिंक देखिए दोस्तों, आधार सर्विसेज का, इसके नीचे है वेरीफाई एन आधार नंबर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा आधार नंबर मांगा जाता है और कैप्चा कोड। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, आधार नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, हम कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे आधार की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि एज, जेंडर, आपका स्टेट और जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ आधार बनाते वक्त दिया होगा या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपका, उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आपका आधार कार्ड नकली है तो इस तरह की डिटेल आपकी शो नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।